तो अब बात कर लेते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस क्या फीस या क्या कमीशन चार्ज करते हैं जब प्रोडक्ट सेल होता है और डिलीवर हो जाता है, और कितना वो काट के बैंक अकाउंट में, सेलर के बैंक अकाउंट में डालते हैं। तो देखिए, कैटेगरी वाइज अलग अलग वेरी करता है। मतलब अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर रहे हैं तो आपका कमीशन शायद 10% होगा। अगर आप क्लोथिंग सेल कर रहे हैं तो शायद आपका कमीशन 15% या 18% होगा। आप ज्वेलरी सेल कर रहे हैं तो 12% होगा। मतलब अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, बाकी आप जब स्टार्ट करेंगे आपको एक पूरा चार्ट मिल जाएगा, एक पूरा लिंक होएगा, उसमें सारा लिखा होगा। पहले से क्लियर बता देते हैं कि हम ये कमीशन आप पे चार्ज करेंगे। इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आपका प्रोडक्ट जब सेल होएगा तो ये वेबसाइट आपसे बेसिकली 3 तरीके की फीस चार्ज करेंगे। पहला हो गया आपका कमीशन, वो लगभग 10-20% के बीच में होता है। दूसरा हो गया आपकी एक फिक्स फी, वो लगभग 20-50 रुपये के बीच में होती है। और थर्ड हो गई आपकी शिपिंग फीस या कुरियर फीस, जो आपके प्रोडक्ट के वेट पर डिपेंड करती है। बट अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम से 1 किलो के बीच में है तो लगभग मान के चलिए 70-100 रुपये के बीच में आपकी कुरियर फीस चार्ज होगी। 3 तरीके की फीस है, यही जनरली ये सारे मार्केट पे चार्ज करेंगे, और ये कट करके जो बाकी का अमाउंट बचा वो आपके बैंक अकाउंट में ये डाल देंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर दूं कि जो भी अमाउंट आपका ये सारे कमीशन, शिपिंग, फिक्स फी काट के बैंक अकाउंट में आ जाता है, सेलर के बैंक अकाउंट में, उसके बाद उसको उसी अमाउंट में से सरकार को GST पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ता है? जो भी आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी है, जैसे आप क्लोथिंग सेल कर रहे हैं तो उस पे 5% GST है, तो 5% आपको मंथ के एंड में गवर्नमेंट को GST पोर्टल पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कोई सेल कर रहे हैं तो उस पे 18% GST है, तो आपको वही अमाउंट आपको मंथ के एंड में 18% आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। और ये 18% बैंक अकाउंट पे चार्ज नहीं होगा, आपकी जो सेलिंग प्राइस है, जो कस्टमर आपको पे करेगा, मतलब जिस अमाउंट पे आपका इनवॉइस बना एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स, वो अमाउंट पे आपको 18% या 12% या 5% जो भी एप्लीकेबल टैक्स है आपके कैटेगरी में, वो आपको मंथ एंड में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये काफी कंफ्यूजन रहता है सेलर्स को कि हमको GST भी देना पड़ेगा, कि हम इतने कमीशन दे रहे हैं, हम इतनी शिपिंग दे रहे हैं, उसके बाद ये भी देना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कमीशन, शिपिंग दे रहे हैं ये सारी वेबसाइट को दे रहे हैं, ये सारे मार्केट प्लेस ले रहे हैं। और वो किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि वो आपको कस्टमर दे रहे हैं। अगर आप ऐसे ही अपनी वेबसाइट ऑनलाइन बना के आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके बैठ जाइए, देखिए आपको ऑर्डर्स आते हैं क्या, नहीं आएंगे आपको जनरली ऑर्डर जब तक आप एड्स पे खर्चा नहीं करेंगे। बट ये मार्केट प्लेस क्या करते हैं, ये मार्केट प्लेस आपको कस्टमर ला के देते हैं। हाँ, कई बार इन मार्केट प्लेस पे भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है और आगे के पेजेस पे और ज़्यादा ऑर्डर लाने के लिए, बट अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आपको इनिशियली ऑर्डर्स आ जाते हैं, और जब ऑर्डर आता है तभी आपको कमीशन, शिपिंग फीस, फिक्स फी, ये सब पे करनी पड़ती है मार्केट प्लेस को। और जैसे ही आपकी पूरी सेल कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, उसके बाद आपको जो भी उस महीने की सेल पे जो भी आपका टैक्स बना आपकी कैटेगरी पे, वो आपको अमाउंट सरकार को GST पोर्टल पे सबमिट करवाना पड़ता है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस ई कॉमर्स का, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेलिंग करने का, स्पेशली अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस पे। अच्छा, एक मेजर डाउट या दिक्कत या कंफ्यूजन काफी सेलर्स को रहता है, नए सेलर्स को या अपकमिंग सेलर्स को, कि ये सारी नॉलेज तो वो ले लेते हैं, प्रोसेस वगैरह सब समझ लेते हैं, बट उनको ये रहता है कि हमारे को तो ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, तो हम ये कैसे चालू करें। या फिर कईयों को टेक्निकल नॉलेज होती है बट वो उनका ऑफलाइन बिजनेस होता है, किसी की ऑफलाइन मैन्युफैक्चरिंग है, किसी की होलसेलिंग शॉप है, वो वहीं बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो यूट्यूब पर सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको अच्छे से सीखिए और सीखने के बाद ही करिए। अगर आपके पास सीखने का टाइम नहीं है तो कोई सीखा हुआ है उससे करवाइए। तो उसके लिए क्या सर्विस अवेलेबल है, उसके लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस पर काफ़ी सारी छोटी बड़ी कंपनियां बनी हुई है जो एज अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर वर्क करती है, जैसे कि सेलर रजिस्ट्रेशन करना, या आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करना, उसको प्रमोट करना, या फिर एडवर्टाइजमेंट करना, या फिर और भी जो दिक्कत आती है उसके लिए टिकट और केस क्रिएट करना, आपको कुछ दिक्कत आए तो इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करना। तो ये सारी जो वर्किंग है, टेक्निकल पार्ट, ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर संभाल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केट में अच्छे सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं, तो आप उनसे सर्विस ले सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन यही
यही रहेगा कि पहले आप खुद सीखिए, खुद का सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको आपके बिजनेस में क्या चल रहा है या कैसा प्रोसेस है, कैसे ये बिजनेस होता है, उसकी नॉलेज और लर्निंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर कुछ एक्स वाई जेड रीजन के कारण आप नहीं सीख पा रहे हो, नहीं टाइम दे पा रहे हो, तो फिर आप थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जो ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है उनमें से एक प्रोवाइडर हम खुद भी हैं। हम भी सेलर्स को, नए सेलर्स को, पुराने सेलर्स को कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम ही नए सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनकी लिस्टिंग करते हैं, उनकी प्रोडक्ट का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उनकी इनिशियल सेल लेके आते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं, उनके एड्स चलाते हैं, मतलब जो भी कंप्लीट टेक्निकल पार्ट है वो सब हम संभालते हैं। सेलर का पार्ट बस इतना ही रहता है कि जब भी उसको ऑर्डर आए तो उसे पैक करना पड़ता है टाइमली और उसको टाइमली डिस्पैच करना पड़ता है। उसके अलावा जो भी टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल वर्किंग है सिस्टम की, वो सारी ई कॉमर्स की वर्किंग हम या हमारी टीम करती है और आपको एक कंप्लीट ई कॉमर्स हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। अच्छा, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप ओनर हैं तो पहली कोशिश ये करिए कि आप बिजनेस सीखिए। थोड़ा बहुत तो आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा क्या पूरी अच्छे से होनी चाहिए, बट अगर आपको टाइम की कमी है तो आपको थोड़ी नॉलेज तो लेनी ही चाहिए। तो उसके लिए यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी ट्रेनिंग और गाइडेंस भी न्यू सेलर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। तो होपफुल ये मेरी दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, खासकर नए सेलर्स के लिए। और जो न्यू सेलर्स या अपकमिंग सेलर्स के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं और उनको बिल्कुल प्रोसेस की नॉलेज नहीं होती, तो ये वीडियो देख के उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। मुझे लगता है 60-70% नॉलेज तो ज़रूर हो जाएगी। और बाकी की जो आपको डाउट है वो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो और मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिए, आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव और पूरा ई कॉमर्स बिजनेस में जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होता है वो प्रोवाइड करवाने की फुल ट्राई करते हैं इस चैनल के थ्रू। हमारा एक इंस्टाग्राम पर भी पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा व्हाट्सएप पर भी चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।